हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आप सबको पता है सीबीएसई का एग्ज़ाम हो चुका है, अब बस जाके उसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपके ऑफिशियल साइट पे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि आपका आंसर की कब तक आएगा। 5 फरवरी को आपका आंसर की आएगा, आप सबको पता है। अब ये सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर के मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सीबीएसई का एग्ज़ाम कब तक आने के चांसेस है। 2-3 साल के जो एक दो मतलब एक्सपीरियंस था जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है यहाँ पे सीबीएसई को लेके, तो वहाँ पे टाइमिंग भी किस तरीके से दिया गया है रिजल्ट का, वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन से टाइमिंग पे आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइम पे जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। गवर्नमेंट का हमेशा फिक्स ही होता है कि हाँ इस चीज़ पे इस टाइम पे उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आज मैं आपको वही सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ सीबीएसई रिजल्ट को लेके। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता है, बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता है, A to Z सारे इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करता है और हो सके तो आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जितना भी लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। चलो बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है, यहाँ पर क्या डिक्लेयर हुआ है, कब तक आने के चांसेस, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड प्लस टाइमिंग भी क्या होगा, किस टाइम पे आपके रिजल्ट आएंगे, तो उस टाइम पे एटलीस्ट आप ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हो। प्लस ऑलरेडी रिजल्ट आएगा तो हम आपको बता ही देंगे यहाँ पे। तो मैं बता देना चाहती हूँ 20 फरवरी 2020 तक चांसेस है आपका यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका रिजल्ट आने के चांसेस कब तक है, 20 फरवरी तक, ठीक है। 5 फरवरी तक आपका आंसर की आ जाएगा और आंसर की का टाइमिंग क्या है वो अभी हम लोग यहाँ पे चेक इट आउट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कब तक ऐसा क्या टाइमिंग है। अभी उसका हम लोग को पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मिला है कि आंसर की का भी आने का क्या टाइमिंग होगा, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताऊँगी। बट रिजल्ट आने का कब तक चांसेस है वो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, 20 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका टाइमिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, इसका यहाँ पे टाइमिंग आने के चांसेस, यहाँ पे देखो टाइमिंग कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइमिंग होता है रिजल्ट करने में, सब कुछ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। फिर सर्वर उन लोग देखते हैं वहाँ पे कि कौन सा सर्वर कब से सर टाइमिंग है। तो यहाँ पे 4 टाइमिंग ऐसे जो आपके रिजल्ट आने के चांसेस होता है सिर्फ आपके एग्ज़ाम का नहीं, मैं ये सारे एग्ज़ाम की बता देती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि यही होता है गवर्नमेंट की जो फील्ड होती है कि ये टाइमिंग पे उनका आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। एक तो होता है यहाँ पे सुबह के 5 बजे मॉर्निंग के AM में आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद चांसेस यहाँ पे हो जाता है दोपहर के 12 बजे भी आने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे, 12:05 एक मिनट पे भी यहाँ पे चांसेस है। और उसके बाद शाम के 5 बजे के भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, शाम के 5 बजे। फिर लास्ट हो जाता है 9 बजे। बस ये 4 टाइमिंग ऐसा है, आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देख लो कि इन बिटवीन इन्हीं सब में आता है। सुबह के 5 से लेकर 5:30 तक आ जाएगा आपका रिजल्ट, इसमें आने के चांसेस हो जाता है। 12 से 12:30 तक हो जाता है, 5 से 5:30 और 9 से 9:30 तक का, मतलब ये आधा घंटा की गैप ऐसा होता है जिस बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। यही टाइमिंग होता है आपके रिजल्ट आने के। तो जो 4 टाइमिंग उन्होंने एनालिसिस किया है, बहुत सारे पेपर्स का देखा है सीबीएसई से रिलेटेड जो भी सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उन सब का देखने के बाद हमें यही लगता है कि यही टाइमिंग उन्होंने नोटिस किया है कि ये टाइम पे आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। तो आप लोग ये टाइम पे जाके अपने साइट पे चेक कर सकते हो रिजल्ट आया कि नहीं आया है। और वैसे भी रिजल्ट आएगा तो पहले फर्स्ट फर्स्ट हम आपको कोशिश करेंगे हम सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दें। कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बराबर चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, साइट पर बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर रहेगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छे तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, यहाँ पर रिजल्ट आउट हो चुका है, आ चुका है। आप लोग अपना रिजल्ट जाके चेक करो, PDF फाइल जो भी सब कुछ अवेलेबल होगा हम सब कुछ आपको दिखा देंगे। तो मैंने जो जो टाइम बोला वो टाइम आप लोग याद रखिए, वो टाइम पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो। वापस एक बार इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, आपका आंसर की 5 फरवरी को आएगा जो आपके हॉल टिकट में ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। 5 फरवरी को आपका आंसर की आ जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा एक्सपेक्टेड 20 फरवरी में आपको बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेड 20 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया सुबह के 5 बजे, फिर दोपहर का 12 बजे, शाम का 5 बजे और रात के 9 बजे, ठीक है। इस तरीके से 4 टाइमिंग है जिसमें आपके रिजल्ट आने के यहाँ पे चांसेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में।
और देखेंगे जैसा कुछ मिलेगा हम आपको डेफिनेटली सारा चीज़ें आपको अलर्ट कराते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।